नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एक्शन मोड में नजर आ रही है। वहीं 2024 के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बदल ली है। यूपी में मिशन 80 को सफल बनाने के लिए बीजेपी ने प्लान बदला है, जहां पार्टी अब नए सिरे से बूथ का गठन करेगी। बूथ कमेटियों में 21 की जगह 11 सदस्य होंगे। इन सदस्यों में से एक महिला सदस्य भी शामिल होगी। वहीं 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी नए सिरे से अब चुनावी रणनीति तैयार कर रही है। नए सिरे से बूथ की कमेटी गठन की जाएगी। वहीं पर देखिए, बीजेपी जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में शुरू हो चुकी है और भाजपा की बूथ कमेटी अब 21 की जगह 11 सदस्यों की होगी। बूथ समिति के क्षेत्र में सभी प्रमुख जातियों के कार्यकर्ता को एक के साथ एक महिला सदस्य को भी शामिल किया गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ेंगे। विभांशु, देखा जाए 2024 को लेकर बीजेपी ने नए सिरे से अपनी चुनावी रणनीति तैयार कर ली है। जी नंदनी, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपने तैयारियों में जुटे हुए हैं और बात करें तो जनता से संवाद करके अब 2024 चुनाव को अपने पक्ष में करने के लिए हर भरसक प्रयास किया जा रहा है। वहीं आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक मिशन 80 के तहत अब जो बूथ कमेटी होगी उसमें 21 के जगह 11 सदस्यों को चुना जाएगा। आपको बताया कि इससे साफ है कि एक सदस्य महिला को चुना जाएगा, कि वो महिलाओं के बीच जाकर भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं, जो केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जो उपलब्धियाँ हैं उनको गिना सके। साथ ही आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी अगर देखे तो 2014 से अलग ही पैतरे में चुनाव लड़ती है, चाहे बात करें पर्चा प्रमुख, चाहे बात करें पन्ना प्रमुख, चाहे बात करें बूथ अध्यक्ष, निचले इकाई तक अपने संगठन को पूरी सुसज्जित ढंग से जिम्मेवारियां तय करके और चुनाव लड़ती है। अगर बात करें तो लगभग चुनाव में 375 दिन लगभग बचे हुए हैं। इससे साफ है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश, जहाँ से सत्ता की चाबी आती है, 80 सीटों वाला ये लोकसभा सीटों वाला ये प्रदेश है, और यहाँ से अगर देखें तो 2014-2019 में केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता हासिल करने में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश एक अहम भूमिका निभाया था। अगर बात करें तो हर एक, अभी आपने देखा कि कार्यकारिणी की नई सदस्य की अगर गठन किया गया उत्तर प्रदेश के अंदर में, जिसमें लगभग कहा गया कि 40% युवाओं को जगह दी जाएगी। आपको बताएं कि अभी तक अगर बात करें तो कार्यकारिणी की गठन हो चुकी है, मगर नामों की सूचना अब तक नहीं हुई है। साफ तौर से भारतीय जनता पार्टी युवाओं को पार्टी के अंदर में उच्च पदों पर बैठाएगी। इससे साफ है कि कहीं ना कहीं 2014 के माफिक जैसे युवा कहा गया कि युवाओं के द्वारा चुनी गई सरकार है, उसी पैतरे के तहत मिशन 80 की तैयारियों में जुट गई है। अब देखने वाली बात ये होगी नंदनी कि जहां पहले 21 बूथ के अंदर में सदस्य होते थे, वहां अब इस संख्या को घटाकर 11 किया गया है। और कहीं ना कहीं देखें तो पन्ना प्रमुख को अब जिम्मेवारी जो तय करने की होती है वो बूथ कमेटी के सदस्यों के द्वारा होती है। अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में देखें तो बीजेपी ने एक ऐसा पैतरा अपनाया था कि एक पन्ना प्रमुख के अंदर में 90 वोटर्स की जिम्मेदारी तय की गई थी। वोटर लिस्ट के माध्यम से नामों को एक लिस्ट बनाकर लिस्टिंग के आधार पर जन संपर्क की बात कही गई थी। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो बूथ कमेटी की सदस्य की 21 की संख्या थी उसको 11 किया गया है, जिसमें एक महिला को चुनने की बात कही गई है। इससे साफ है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं चुनाव अपने पक्ष में करने के लिए हर एक प्रयास कर रही है और नए पैतरों को अपना रही है। अभी ये 11 सदस्य कैसे भारतीय जनता पार्टी के कैसे, अगर बात करें तो एक नए पैतरे के तहत महिला बूथ सदस्य में रखा गया है महिला को, तो ये महिला अगर आमतौर पर देखें तो ये महिलाओं को भी जाकर जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की महिला से संबंधित तमाम योजनाएं हैं उसके बारे में, चाहे बात की जाए मिशन शक्ति, चाहे बात की जाए महिला संरक्षण के तमाम दावे वादे सरकार किया करती है, इन सभी मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ये जो पैतरा है मिशन 80 का, उसमें देखने वाली बात ये होगी कि जो 21 सदस्य से 11 सदस्य बनाए गए हैं, पन्ना प्रमुख की जिम्मेदारियां तय की गई हैं, बूथ अध्यक्ष की जिम्मेदारियां तय की गई हैं, इससे चुनाव कितना परिणाम अपने पक्ष में कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी, वो चुनाव के बाद कहना साफ होगा। जी जी विभांशु, देखा जाए जिस तरीके से आपने बताया तो शक्ति केंद्रों पर जो है अल्पकालीन विस्तारक भेजे जाएंगे, इसको लेकर और क्या कुछ अधिक जानकारी सामने आ रही है?
जी अगर बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी लगातार अन्य अन्य जिलों का भ्रमण कर रहे हैं और वो बूथ स्तर से पार्टी को एक बार फिर मजबूत और कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक जोश भरते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो तमाम इकाइयों को पहले से ही उनके जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं। चाहे बात की जाए तो 2024 चुनाव से पहले प्रदेश के अंदर में निकाय चुनाव है, जिसे उत्तर प्रदेश के अंदर में विधानसभा लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल चुनाव के तौर पे देखा जा रहा है। और इसको लेकर जहां सभी राजनीतिक दल अलग अलग पैतरे अपना रहे हैं, जहां बसपा अपनी खोई जमीन पाने के लिए बामसेफ की तरह, यानी कि बामसेफ जब दल था जिसमें जमीन पर बैठकर कार्यकर्ताओं से संवाद की जाती थी, वही कांग्रेस अपना हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा चला रही है, समाजवादी पार्टी कई अलग अलग अपनी सभाएं कर रही हैं, वहीं भाजपा भी कहीं इसमें पीछे नहीं है। अब देखने वाली बात ये होगी कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव को काफ़ी सीरियस तौर पे लेती है और एक लंबे अवसर तक जनता के बीच बनी रहती है और अपनी योजनाओं को लोगों के बीच धरातल पर उतरा है इसकी जानकारी देती है, तो कितना इस बार जनता इस भारतीय जनता पार्टी या किस दल के तरफ जाएगी वो आने वाला समय बताएगा। मगर साफ है कि सभी राजनीतिक दल अपने पैतरे अपना रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी अभी से ही प्रदेश के अंदर में कहीं ना कहीं एक बेहतर मार्जिन के लिए जो एक लक्ष्य रखा गया है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जैसा बता रहे हैं हाल फिलहाल में कि हम मिशन 80 के तहत लोकसभा की 80 सीटें अपने पाले में करेंगे, वो चुनाव के बाद देखने वाली बात होगी। जी विभांशु, देखा जाए जिस तरीके से बीजेपी ने 80 सीटों को जीतने के लिए ये मेगा प्लान तैयार किया है, तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में किस तरीके से इसको देखा जाए दूसरे दल के लिए। जी निश्चित तौर से अगर बात की जाए तो सभी दल के अपने दलगत राजनीति है। अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 80 से 80 सीटों जीतने की बात कर रही है, वहीं बीते दिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक कथन कहते हुए नजर आए कि हम और हमारे गठबंधन के साथ यानी कि RLD उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर लड़ेंगे। इससे साफ है कि समाजवादी पार्टी कुल मिलाकर स्वतंत्र चुनाव लड़ेगी, यानी कि तीसरे मोर्चे के तहत हो सकता है कि वह चुनाव लड़े। वहीं कांग्रेस पार्टी का कहना है कि हम उत्तर प्रदेश की सभी सीटों में लड़ेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि जहां एक तरफ कांग्रेस अलग थलग में दिख रही है, वहीं समाजवादी पार्टी गठबंधन 80 सीटों पर लड़ने की दावे कर रही है, भारतीय जनता पार्टी अपने घटक दलों के साथ यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर में अपना दल सोनेलाल, साथ ही साथ निर्बल शोषित ग्रसित निषाद पार्टी, वहीं अगर बात की जाए तो सुभाषपा भी कहीं ना कहीं आशंकाएं लगाई जा रही हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को भीतर से या बाहर से समर्थन देगी वो आने वाला समय बताएगा। तो कहीं ना कहीं गठबंधन के साथियों को लेकर उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को भेदना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। वहीं अब देखने वाली बात यह होगी कि उत्तर प्रदेश के अंदर में कहीं ना कहीं विधानसभा के चुनाव हुए, एक मजबूत विपक्ष सामने निकल कर आया, उसके ठीक बाद अगर बात करें तो 2019 में प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के पास महज 19 विधायक थे, अभी अगर बात करें तो लगभग स्वार से अब्दुल्ला आज पार्टी के पास 110 विधायक है, उनके सहयोगी RLD के पास 7 विधायक है, तो कुल मिलाकर बात की जाए तो 117 विधायकों के साथ एक मजबूत विपक्ष के तौर पर समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव में निकल के बाहर आई है। तो इस बार के लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। और देखने वाली बात ये होगी कि जहां कांग्रेस पार्टी अलग थलग है, समाजवादी पार्टी एक अलग मोर्चे पे है, भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के घटक साथियों के साथ चल रही है, अब देखने वाली बात ये होगी कि 80 जो दावे किए जा रहे हैं उसमें से कितनी सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आते हैं वो आने वाला समय बताएगा। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। तो वहीं पर बीजेपी अपनी लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तैयारियों में जुट चुकी है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने बदली रणनीति, मिशन 80 को सफल बनाने के लिए बीजेपी ने बदला प्लान। अब नए सिरे से होगा बूथ का गठन। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तैयारियों में, बूथ कमेटियों में 21 की जगह 11 सदस्य, एक महिला सदस्य भी शामिल होंगी। पूरे प्रदेश में नए सिरे से तैयार की जाएगी बूथ कमेटियां। 11 सदस्यों की बूथ कमेटी बनाएगी बीजेपी, एक महिला सदस्य भी होंगे शामिल।
तो वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस के रंग में रंग चुकी है। राज्य में पहली बार कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय महाधिवेशन होने जा रहा है। आजाद भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस का 3 दिवसीय 50वें अधिवेशन आज से शुरू होने वाला है। वहीं इस महाधिवेशन में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी, साथ ही 2024 के आम चुनाव के रोडमैप पर भी चर्चा की जाएगी। इस सत्र में हिस्सा लेने के लिए यूपी कांग्रेस अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा उत्तराखंड अध्यक्ष करण महारा समेत कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि कांग्रेस का 50वां राष्ट्रीय अधिवेशन किया जा रहा है 26 फरवरी से लेकर और आगे 28 फरवरी तक ये महाधिवेशन चलने वाला है। अधिवेशन की शुरुआत रायपुर से की जा रही है। 24 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक ये राष्ट्रीय महाधिवेशन चलेगा। तमाम दिग्गज नेता कांग्रेस के वहां पर आज छत्तीसगढ़ में मौजूद रहेंगे। देखिए तो वही कांग्रेस के महाधिवेशन की शुरुआत हो चुकी है, छत्तीसगढ़ के रायपुर से इसकी शुरुआत हो चुकी है। कांग्रेस का 3 दिवसीय 50वां राष्ट्रीय अधिवेशन है। कांग्रेस का 3 दिवसीय 50वां राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत आज से रायपुर में होगी। चौबीस से 26 फरवरी तक चलेगा राष्ट्रीय अधिवेशन। पार्टी के भविष्य की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। लगभग 15,000 प्रतिनिधि पूर्ण सत्र में भाग लेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी। 2024 के आम चुनाव के रोडमैप पर चर्चा की जाएगी। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड अध्यक्ष करण महारा भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस का 3 दिवसीय 50वां राष्ट्रीय अधिवेशन। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ेंगे। विभांशु, देखा जाए तो कांग्रेस का राष्ट्रीय महाधिवेशन क्या से रायपुर में शुरुआत हो चुकी है। जी नंदनी, आपको बताया कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनके कांग्रेस पार्टी की तरफ से छत्तीसगढ़ के रायपुर में आज कांग्रेस का 50वां अधिवेशन की शुरुआत की जाएगी। इस अधिवेशन से साफ है कि कांग्रेस पार्टी अपने खोए जमीन को केंद्र में पाने का प्रयास करेगी। आपको बताया कि कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में सत्ता में है, रायपुर का स्थान चयनित किया गया है और आज से 3 दिन तक ये अधिवेशन चलेगा जिसमें कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेता शिरकत करेंगे। इसमें CWC की बैठक होगी। साथ ही आपको बताएं कि आज दोपहर 2 बजे कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी के प्रचारक, स्टाफ प्रचारक और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी सम्मिलित होंगे। वहीं आपको बताएं कि कल कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी इस अधिवेशन में शिरकत करेंगी। इस कार्यक्रम में अगर बात की जाए तो देश के हर एक कोने कोने से कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचेंगे और अपने नेताओं से मूल मंत्र लेंगे 2024 को लेकर। साथ ही कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं देखे तो 2014 के बाद अपने लगातार जो उसका ग्राफ है वो गिरता जा रहा है, तो इस विषय पे भी चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ 6 अहम पार्टी के अंदर में 6 अहम प्रस्ताव पे भी बात की जाएगी। और 6 अहम प्रस्ताव की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे की आदेश के बाद, यानी कि एक जो पार्टी का संविधान के उसके मुताबिक जो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है उसके हामी के बाद कहीं ना कहीं प्रस्ताव पारित किया जाता है। तो माना ये जा रहा है कि 6 अहम प्रस्ताव में 2024 चुनाव को लेकर कुछ ऐसी रणनीति हो सकती है जो कांग्रेस के जो चिंतक समिति है उसके द्वारा दी जाएगी। नंदनी, आपको बताएं कि कांग्रेस पार्टी अगर देखे तो पिछले 6 महीने में कहीं ना कहीं उनके नेता राहुल गांधी का जो पॉपुलरिटी है उसमें इजाफा देखने को मिला है। अगर बात करें तो राहुल गांधी सितंबर के महीने से और जनवरी तक लगभग 3,600 कुछ किलोमीटर चले। साथ ही उन्होंने 11 राज्यों का
इसमें भ्रमण किया, कई केंद्र शासित प्रदेश गए, 15 बड़ी वैलियां किए, 108 छोटी वैलियां किए, साथ ही साथ दर्जनों की संख्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम मुद्दों पर बात करते हुए ने इसका साफ तौर से कहीं ना कहीं देखे तो कांग्रेस पार्टी का इस यात्रा से यानी कि भारत जोड़ो यात्रा से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी चर्चा में दिख रही है और इसका कितना लाभ होता है वो चुनाव के बाद साफ होगा। अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी अपने जनाधार को तलाश जी देखा जाए तो जिस तरीके से कांग्रेस का राष्ट्रीय महाधिवेशन की शुरुआत है वहां पर तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता पहुंचेंगे, तो किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है जी नंदनी? आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के अंदर में भूपेश सिंह बघेल की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखें तो हर एक पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बात की जाए तो राहुल गांधी के साथ उनकी स्वयं की सिक्योरिटी होती है, वहीं अगर बात करें तो एक कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि एक नेशनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो उनके साथ भी केंद्र सरकार की तरफ से सिक्योरिटी मिलती है। साथ ही बात करें तो छत्तीसगढ़ के अंदर में भूपेश सिंह बघेल की सरकार है तो साफ है कि सीएम सिक्योरिटी से लेकर तमाम सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए हर एक सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। अगर बात की जाए मयूर नंदनी तो कांग्रेस पार्टी इस अधिवेशन से कहीं ना कहीं देखे तो जो पार्टी के तमाम दिग्गज बड़े नेता हैं जो कश्मीर से कन्याकुमारी से लेकर कोने कोने से आज से 3 दिनों तक कांग्रेस के अधिवेशन में सम्मिलित होंगे, उनसे साफ है कि उनके साथ बैठकर प्रस्तावों पे बात करके और तमाम जो नॉर्म्स है पार्टी के उस पर चर्चा करके कहाँ हम मजबूत हुए कहाँ हम कमजोर हैं इन विषयों पे कहीं ना कहीं कांग्रेस CWC यानी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के साथ बैठक होगी, जिसमें अगर बात करें तो जो मंच की पूरी सुरक्षा की दृष्टि है और गेस्ट मैनेजमेंट है वो कांग्रेस पार्टी के एक विंग यानी कि सेवा दल के लोग संभाल रहे हैं। देश भर से सेवा दल के लोग इस अधिवेशन को सफल बनाने के लिए छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए हैं। अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के सेवा दल के प्रमुख कल देर शाम यहां से रवाना हुए, वहीं अगर बात की जाए तो इसमें माना ये जा रहा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री से लेकर और कांग्रेस के कई पुराने दिग्गज नेता भी शिरकत करेंगे। बात की जाए तो सोनिया गांधी यानी कि जो पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं उनके अभी आने की खबर नहीं है। देखने वाली बात यह होगी कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से कहीं ना कहीं राजनीति में अभी सोनिया गांधी का इंटरेस्ट जो है जो उनकी सहभागिता है वो कहीं ना कहीं कम दिख रही है और क्या देखने वाली बात ये होगी कि क्या सोनिया गांधी इस अधिवेशन में जाकर और अपने तमाम जो नेता हैं जो उनके पार्टी के पदाधिकारी हैं उनको गुरु मंत्र देते हुए नजर आएंगी। अगर बात की जाए तो राहुल गांधी का इस अधिवेशन के अंदर में जो तमाम देश भर से कार्यकर्ता आ रहे हैं कांग्रेस के उनके अंदर कहीं ना कहीं उत्साह देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए तो कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत कल देर शाम वह छत्तीसगढ़ के इस कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गई रायपुर के अंदर में और उनका उनके एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जो बढ़ता जनाधार है उसको हम और यहाँ चर्चा करेंगे और कैसे हर एक राज्यों में हम जाकर कांग्रेस पार्टी की नीतियों को बताएंगे उसको लेकर चर्चा की जाएगी। जी जी जिस तरीके से आज छत्तीसगढ़ में रायपुर में राष्ट्रीय महाधिवेशन का कार्यक्रम है, 2024 का मिशन होगा और कहीं ना कहीं देश के नौ राज्यों में चुनाव भी होने हैं विधानसभा में और कुछ ही दिन बाद छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं। जी बिल्कुल, आपको बताया कि देश के अंदर में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं जो कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले है और बात की जाए तो इससे इन 9 राज्यों के चुनाव से ये तस्वीर भी देखने वाली बात होगी कि किधर जो सियासी ऊंट है वो किधर करवट लेता है और माना ये जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और जो कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। अब 9 राज्यों को देखें तो सभी राजनीतिक दल क्षेत्रीय दल हैं जो राष्ट्रीय पार्टी हैं वो कमर कस चुके हैं। वहीं अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से हाल फिलहाल में अगर देखें तो 3 राज्यों में चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस पार्टी को हिमाचल के अंदर में कहीं ना कहीं जीत हासिल हुई और एक बढ़त के साथ जीत हासिल हुई जिसके बाद कांग्रेस पार्टी देश के अंदर की राजनीति में
उत्साहित नजर आ रही है। अगर बात करें अधिवेशन की मयूरी नंदनी, तो 25 तारीख यानी कि आज राजनीतिक आर्थिक इंटरनेशनल अफेयर्स पर चर्चा की जाएगी कांग्रेस के तमाम दिग्गजों के द्वारा, कांग्रेस के तमाम जिम्मेदारों के द्वारा। वहीं अगर बात की जाए तो 26 यानी कि कल कृषि, राजनीतिक आर्थिक और शिक्षा एवं सामाजिक न्याय पे चर्चा की जाएगी। माफ करिएगा, 25 यानी कि कल और 26 यानी कि परसों। वहीं आपको बताएं कि 26 को 2 बजे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का संबोधन होगा और इससे साफ होगा, उनके द्वारा तमाम गाइडलाइन दी जाएगी कि आप कैसे अन्य राज्यों में, जो आपने कहा कि 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, इसको दृष्टि से, इसके दृष्टिगत तमाम उनके तरफ से निर्देश दिए जाएंगे। साथ ही एक अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी के सेवा दल और साथ ही साथ NSCY को लेकर कई अहम प्रस्ताव पारित किए जा सकते हैं। उनको कैसे सक्रिय करना है, जो कांग्रेस पार्टी की प्रथम विंग है यानी कि प्रथम पंक्ति में चलने वाले लोग हैं, उनको कैसे हम साधेंगे और कैसे उनको, उनको उपयोग करके सत्ता में आएंगे, इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। क्योंकि 2024 के चुनाव में माना ये जा रहा है कि युवा अपनी एक अलग तरह से योगदान देकर सरकार में ला सकते हैं, वो चाहे वो किसी दल के हो। अब देखने वाली बात ये होगी कि भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा पहले से ही मजबूत है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता चुनाव के समय काफ़ी सक्रिय नजर आते हैं, मगर NSCY उत्तर प्रदेश के अंदर में कहीं ना कहीं अलग थलग नजर आता है। तो क्या उत्तर प्रदेश के अंदर में NSCY को लेकर क्या निर्देश दिए जाते हैं, वो भी देखने वाली बात होगी। और इस अधिवेशन के बाद कांग्रेस पार्टी कैसे जमीन पर आकर काम करती है और सत्ता में वापस आने के लिए किन किन पैतरों को अपनाती है और उससे कितना लाभ होता है, वो आने वाले दिनों में साफ होगा। जी बिल्कुल विभांशु, जिस तरीके से कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन पार्टी में 2024 को लेकर रोड मैप तैयार किया जाएगा ही, लेकिन देखा जा रहा है तो अलग अलग मुद्दों पर चर्चा भी की जाएगी, जिस तरीके से आपने बताया, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमी हो, बेरोजगारी को लेकर। तो क्या लगता है इस तरीके से मुद्दे पर चर्चा करके, और देखिए कांग्रेस का ये भी कहना है कि राष्ट्रीय जो लोकतंत्र है वो खतरे में है, इस पर भी क्या कुछ चर्चा की जाएगी? ये बिल्कुल, अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार के ऊपर तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाते आ रही है, और बात करें तो तख्तों के आधार पर कई ऐसे तथ्य भी उसके अंदर में बात की जाएगी। जो CWC की बैठक होगी उसमें 2024 अगर देखें तो अब लगभग 370 दिन बचे हैं चुनाव में, तो माना जा रहा है कि इन आने वाले दिनों में कैसे कांग्रेस पार्टी जमीन पे आकर मजबूती के साथ अपनी पार्टी का पक्ष रखेगी। साथ ही केंद्र सरकार के ऊपर अगर देखें तो तमाम कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है। अभी अगर देखें तो बजट सत्र हुआ, बजट सत्र के अंदर में केंद्रीय बजट में राहुल गांधी की अगुवाई में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अडानी मामले को लेकर हमलावर देखने को मिली और JPC जांच की मांग की, और ये कहा कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कि जब नरसिम्हा राव JPC की जांच की स्वीकृति दे सकते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी JPC की जांच की स्वीकृति दे सकते हैं, तो तत्कालीन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर JPC जांच से क्यों पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन सभी मुद्दों पर, साथ ही देश के अंदर में बढ़ते बेरोजगारी, महंगाई और तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी एक नई तरह की रणनीति भी बनाने की बात कर रही है। अब देखने वाली बात ये होगी नंदनी कि इसे कांग्रेस पार्टी के महाअधिवेशन यानी कि राष्ट्रीय अधिवेशन में किन विषयों को लेकर क्या रणनीति तैयार की जाती है। आने वाले दिनों में कांग्रेसी कार्यकर्ता अपने कृत्यों से यानी कि अपने जो मूविंग होंगे, जो जनता के बीच तमाम कार्यों को करेंगे, सरकार के खिलाफ जो लगातार वो आवाज उठा रहे हैं, उसमें क्या नया पैतरा अपनाते हैं, वो तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। इस खबर में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच, साहस, सरोकार।